नेक्स्ट इज बबल्ड गेट्स। तो एक्चुअल में इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस एक चीज, जैसे अगर मैं बात करता हूं और गेट की, तो और बबल्ड गेट, इसका मीनिंग है और का आपका इनपुट कैसा होता है, ये और गेट का डिजाइन होता है ना, तो यहां पर जो आपका इनपुट है उसमें इनपुट बबल्ड है कुल मिलाकर के, बात समझ में आई। तो इस गेट को हम बोल दे रहे हैं बबल्ड गेट। नाउ अब अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करता हूं, तो एक्स बार, क्योंकि पहले ही बबल का मतलब बार, वाई बार और फिर प्लस, एक्चुअली ये किसके इक्विवेलेंट है, ये आपका हो गया किसके इक्विवेलेंट, नैंड की, हाँ या ना, क्लियर। तो बबल्ड और गेट है, वैसे के वैसे हमारे एंड नॉर नैंड बबल्ड है। तो अपन वन बाय वन एक बार देखते हैं, एंड बबल्ड दैट इज बबल्ड गेट। बबल्ड एंड गेट बोलना बेटर है, दैट इज एंड बाद में लगेगा, दैट इज बबल्ड और बबल्ड एंड गेट, और यहां पर भी और बाद में लगा दीजिएगा, दैट इज बबल्ड और गेट, क्लियर है। नाउ इस सच केस में एक्स बबल, वाई बबल, और हमने क्या कर दिया, अब एक्सप्रेशन की बात आई, एक्स बार इंटू वाई बार, इट्स नथिंग बट इक्विवेलेंट टू नॉर, क्योंकि नॉर भी आपका क्या है, एक्स प्लस वाई का होल बार, है ना। तो ये जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स बार डॉट वाई बार, क्लियर। नाउ अब आपका आता है तीसरा केस, अगर मैं बांधू तो बबल्ड, बबल्ड नॉर गेट, नॉर गेट। नाउ इस केस में दिस इनपुट इज बबल्ड, नेक्स्ट इनपुट इज ऑल्सो बबल्ड, और आउटपुट इज बबल्ड। तो इस केस में क्या हो गया, एक्स बार प्लस वाई बार का होल बार, है ना। तो ये आपका आ गया एक्स इंटू वाई, विच इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट, इसमें भी आपको कोई दोराय नहीं है। अगर मैं बात करता हूं बबल्ड एंड गेट की, दैट इज बबल नैंड गेट, नैंड गेट। नाउ इस सच केस में दिस, ये नैंड गेट आपका आ गया। नाउ एक्स बार इंटू वाई बार का होल बार इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई, विच इज इक्विवेलेंट टू और गेट, है ना। तो ये सारे बबल्ड गेट हैं और ये उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट गेट्स हैं। नाउ अब अगर मैं बात करूं बबल्ड और बबल्ड एंड, बबल्ड नॉर और बबल्ड नैंड, जो हमने अभी बनाया, बबल्ड और के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट गेट कौन सा निकल के आया, नैंड, इसके करस्पॉन्डिंग नॉर, नॉर के करस्पॉन्डिंग एंड, और नैंड के करस्पॉन्डिंग और। एक सिमेट्रिसिटी इस पूरी कहानी में है जो आप याद रखना मुश्किल है, लेकिन यस ये सिमेट्रिसिटी फॉलो हो रही है इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, और एंड नॉर नैंड, और एंड नॉर नैंड, है ना। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम याद रखोगे तो
तो ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि पता चला उल्टा सीधा कुछ हो गया तो लफड़े में फंस जाओगे। तो आपको प्रोसीजर पता होनी चाहिए बजाय से टेबल के। हालांकि अगर ये प्रोसीजर नहीं पता और टेबल पता है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है, आपको ये बातें पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए रेदर देन ये टेबल। टेबल का ऑब्जर्वेशन अच्छा है और एक सिमेट्री सिटी का फायदा आप उठा सकते हो। क्लियर है? तो ये कहानी हो गई बबल्ड गेट्स की। बबल्ड का मतलब जो आपका इनपुट है वो बबल्ड है, कॉम्प्लीमेंटेड। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?